हेलो फैमिली, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल वी आर हेल ब्रदर्स। तो गाइस आज का व्लॉग रहने वाला है पूरा रैंडम, मतलब जो भी हम दिन में कर रहे हैं, दिन में नहीं, ये व्लॉग कैसे शुरू हुआ है, क्या शुरू हुआ है, उसमें बहुत सी अड़चने आई हैं, बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, बहुत सी चीजें रही हैं। तो बिना बक ले ली पहले फटाफट चलते हैं वीडियो में। तो ये रहे हमारे शेजवान राइस, ये रहे हमारे फ्रेंच फ्राइज, और ये रहा हमारा चबूतरा। ताजी ताजी प्रिंस को लगी है प्रेस, आइए दिखाते हैं आपको। मास्क मार डाला इसने, इस बदतमीज इंसान ने। हेलो फैमिली, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत ही लेट शुरू हुआ है, बज चुके हैं 8:45। तो 8:45 बज चुके हैं गाइस। व्लॉग इतना लेट शुरू करने का रीजन पहले मैं आपको बता देता हूं क्या रहा है। रीजन उसका ये है कि आज मैंने जो व्लॉग आपने देख लिया होगा ऑलरेडी, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके चेक करो, हैशटैग मजेदार मंडे। बहुत अतरंगी सवाल थे लोगों के, तो उस अतरंगी सवालों का जवाब देते देते हम ख्वाबों में खो गए, और सुबह व्लॉग एडिट हुआ पहली बात तो व्लॉग सुबह एडिट हुआ, तो अप्रॉक्स 4:30 मुझे बज चुके थे व्लॉग एडिट करते करते। उसके बाद मतलब 4:30 नहीं बोल सकते आप, 2:30-3 बजे तक मैंने व्लॉग एडिट कर लिया था अपना डन, और उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट पे लगाया। एक बार एक्सपोर्ट लगाने पे गाइज अप्रॉक्स 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। एक बार मैंने एक्सपोर्ट पे लगाया, 100% कंप्लीट हुआ और कैंसिल हो गया। दूसरी बार एक्सपोर्ट लगाया, 100% कंप्लीट हुआ और फिर कैंसिल हो गया। तीसरी बार एक्सपोर्ट लगाया, 100% कंप्लीट हुआ और फिर कैंसिल हो गया। तो उसके बाद चौथी बार 100% कंप्लीट होने के बाद वो व्लॉग डला है जो आपने देख लिया होगा। तो गाइस इतनी ज्यादा मेहनत करते करते पूरा दिन निकल गया, और उसके बाद मैं लाइव भी गया। लाइव में जाने के बाद जब हमारा मतलब लाइव गया तो उसमें मेरा टाइम निकल गया, तो मुझे वक्त ही नहीं मिला व्लॉग करने का आज पूरा दिन। पर डेली व्लॉग चल रहा था, ऑब्वियस बात है व्लॉग तो करेंगे, सुबह करें, शाम करें, रात करें, जब मर्जी करें, पर आपको व्लॉग मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको एक मैं और गुड न्यूज देना चाहूंगा कि कल हम जाने वाले हैं माँ चिंतापूर्णी, बच्चे आधे चिंता तो यो हरनी। तो ये मम्मी दिख रहे हैं मेरे एकदम छुपे हुए, मम्मा इधर आना, 1 मिनट इधर आना, खुश बहुत लग रहे हो आप। तो इनको बताना चाहोगे आपकी आप क्यों नहीं जा रहे हो? बस किस्मत, शायद भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, भगवान जो भी करता है। पहले जाने वाले थे मम्मा, मैं और कशिश्ना, मतलब मेरी कजन, हम 3 लोग जाने वाले थे, पर प्लान हो चुका है चेंज, अब मैं, प्रिंस और कशिश जाने वाले हैं। मम्मा क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि व्रत है कल है माँ लक्ष्मी का व्रत, जो पीले धागे वाला होता है ना, जो कि मैं अपने बच्चों के लिए रखती हूँ, बच्चों के, ठीक है, तो मेरे बच्चों में मेरी खुशी है, बिल्कुल। तो मम्मा कल रखने वाले हैं व्रत माँ लक्ष्मी का, तो ऑब्वियसली बात है व्रत रखना है तो बाहर जाके मम्मा सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इतना चलना पड़ता है वहाँ पे, सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए मॉम नहीं जा रहे हमारे साथ, और हम तीनों ही जाने वाले हैं। और सुबह कितने बजे निकलना है? 5 बजे। अगर गाइस आपने मेरे पुराने व्लॉग देखे हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि मैं सोता ही 5 बजे हूँ, तो 5 बजे मैं कैसे उठूंगा ये मुझे नहीं पता, पर उठना पड़ेगा, बिकॉज जाना है तो उठना पड़ेगा। तो गाइज 5 बजे यहां से जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मासी के घर से बस जाने वाली है, तो हम अभी जाएंगे मासी के घर। मासी भी अवेलेबल नहीं है ना घर पे, मासी भी नहीं है, तो हम जाएंगे, कजन्स होंगे वहां पे, मास्टर जी होंगे, और फुल रात मस्ती होगी। हाँ नहीं होगी, ठीक है, ये बोल रहे हैं सोना है तो सो जाएंगे, कोई बात नहीं, है ना। तो गाइज हल्की फुल्की मस्ती करके सो जाएंगे हम आराम से, सुबह जाना है हमें चिंतपूर्णी, और अभी निकलना पड़ेगा। प्रिंस अभी गया हुआ भंगड़ा प्रैक्टिस के लिए, एज यूजुअल 8:45 हो रखे हैं, और भंगड़ा प्रैक्टिस से जैसे वो आते हैं, उसने मुझे पहले बोल रखा था नहा धो के तैयार होकर रहना, अगर जाना है तो लेट नहीं होना है हमें दादा। आई थिंक वो पहुंच गया, नहीं पहुंचा, तो मैं फटाफट गाइस अभी नहाता हूँ, तैयार होता हूँ, और प्रिंस के आते ही निकलते हैं हम मासी के घर के लिए, और जो होता है दिखाते हैं आपको। मम्मी को पहले पता लगा, मम्मी बोल रही है जो होता है दिखाते हैं, मुझे याद है, तो जो होता है दिखाते हैं आपको गाइस। फटाफट चलता हूं मैं नहाने, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो जी हम चुके हैं नहा, प्रिंस गए हैं आ, और अब रहे हम जा। तो प्रिंस से आपकी हाई हेलो करवाते हैं, फिर हम फटाफट जाते हैं, बिकॉज ऑलरेडी 9:30 हो चुके हैं। तो सर क्या हाल है आपके? बड़ी देर तक पिछड़ा, तो इनको बताओ क्या हाल है आपके?
देखते रहते सबको पता, आपको पता लग रहा है दिन ब दिन कैसा ये है ना। हाँ। तो आप फटाफट हाथ लगवाओ, हम चलें। क्या हाथ लगवाओ? अच्छा तो हाथ लगवाओगे? हाथ लगवाएंगे ऑब्वियस सी बात है ना गाइस। वापस कर दिया। तो अभी गाइस हो गया है कंप्लीट हमारा, क्योंकि हम इसको बांध नहीं सकते। इसको वैसे बांध के कितने देर रखते पता है तुझे? तुझे नहीं पता तो मेरे को कैसे पता? दो दो घंटे तीन घंटे या पूरा दिन? सारा दिन, सारा दिन बांध के रखते हैं, शाम को इसका पूजन करते हैं। तो इसको बोलते हैं महालक्ष्मी का व्रत। अब हम निकलते हैं बिकॉज मम्मा तो नहीं जा सकते, पर हमें तो जाना। मम्मा कोई बात नहीं, होता है होता है, हौसला रखो आप, आपको भी जाने का मौका मिलेगा बहुत जल्द। तो चलते हैं, चले कोई नहीं कोई नहीं, तुझे भी ले रहा हूँ, कोई टेंशन क्यों ले रहा है यार, मेरे साथ रहेगा ऐश करेगा। चलते हैं गाइस। सो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं मासी के घर और हमारी खातिरदारी की हो चुकी है शुरुआत। प्रिंस और मेरा भाई गए हैं बाहर जरा काम थोड़ा मोड़ा, और मेरी बहन कर रही है मेरी सेवा। हाय, हेलो। तो गाइज अभी आ चुके हैं मेरे फेवरेट मोमोज। गाइज इस मतलब इस एरिया के, पहले मैं यहाँ रहता था, मतलब अप्रोक्स समय 5 से 6 साल हुए हैं अभी, वहां नहीं 4 साल हुए हैं वहां पे शिफ्ट हुए को, उससे पहले हम यहीं रहते थे। तो इस मोहल्ले में मैं जब भी आता हूँ तो जो जो मेरी फेवरेट चीज़ें मैं सब कुछ खाता हूँ। पहली चीज़ बेलपुड़ी, जो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं मिलती है, जितना मर्जी ढूंढ लो बेलपुड़ी मिलती नहीं है चटनी वाली, और स्पेशली ऐसी नहीं मिलती है। दूसरा मोमोज, तो मैं हर बार जब भी यहाँ पे आता हूँ तो मोमोज की डिमांड पहले ही डाल देता हूँ इनको। तो अभी मास्टर जी दूसरे रूम में बैठे हैं, बात बात कर रहे हैं और हम खाएंगे मोमोज, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज प्रिंस और मेरा भाई अभी पहुंच चुके हैं, तो आइए आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्या हाल है सर आपके? बहुत अच्छे हैं हम तो। बहुत अच्छे हैं। तो ये आपको पता ही होगा एज यूजुअल कहाँ होंगे, फोन में। तो घर के बाकी सदस्यों के साथ आपको मिलवाया जाता है। चलो चले, सिस्टर के पर्स वो क्या खड़ा रही है अभी सबसे, अभी सारी रात यहीं पे हैं, जिनके साथ ही घूमने, इनके साथ ही करना जो करना है। सो सिस्टर बने आ रही है हमारे, क्या क्या? फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज, कितना सोच रहे, देख लो इतना स्ट्रगल। बहन किसने सिखाया तुझे बनाने? तुम्हारे लिए स्पेशल, हमारे लिए स्पेशल बना रही है, इतना स्ट्रगल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है गाइस। ये मतलब ऐसे लल्लू पल्लू चीज नहीं है। रुको मैं आपको बैक कैमरे से एकदम क्लोज अप करके दिखाता हूँ, क्लोज अप शॉट। तो गाइस ये रहे हमारे फ्रेंच फ्राइज। तो जी मैं पूछने जाऊंगा, ये थोड़े लाल लाल क्यों है मैम, बताइए? क्योंकि इसमें कलर लगा हुआ है। कलर लगा हुआ है, ओह माय गॉड। और ये क्या रखा है आपने? चाट मसाला। चाट मसाला गाइस, ये जो इसने गंद डाला है तो आपको तो पता ही है, जो सॉस जो थोड़े सस्ते मतलब होते हैं ना हमारे कुक, वो ऐसे ही होते हैं गंद मंद डालने वाले। बट फिर भी कोई नहीं, अभी स्ट्रगल कर रही है बच्ची, सीख रही है धीरे धीरे, कोई बात नहीं सीख जाएगी। तो आप ये फटा कितने में बन जाएंगे प्रॉपर? 10 मिनट और बस। 10 मिनट और। और क्या बनाया आपने हमारे लिए? ये राइस। ये भी बने हैं गाइस, शेजवान राइस। खोल दे मुझे। A few moments later. तो ये रहे हमारे शेजवान राइस, ये रहे हमारे फ्रेंच फ्राइज, और ये रहा हमारा चबूतरा। चबूतरा होता मतलब जेड़ा एकदम लोंठा नहीं होता। और ये रहा हमारा दूसरा कबूतरा। किन्ने लगे हुए सर तुसी सवेरे शाम दिन रात आई काम? मेरी भुआ नाल। व्हाट डू यू मीन बाय मेरी भुआ नाल? हैं बकवास ना, चुप कर रे। सो गाइस नाउ वी आर वेटिंग, जल्दी जल्दी बन जाए फिर खाएं। उसके अलावा कोई गेम वेम खेलने का प्लान है हमारा? देखते हैं, देखते हैं। कब देखते हैं, क्या देखते हैं? सो चुप करके समझा, सवेरे जल्दी उठना है। देखते हैं, बदतमीज इंसान। गाइस अभी कोई प्लान नहीं है हमारा, हमें आराम से सोना पड़ेगा बिकॉज सुबह 5 बजे उठना है। आवाज कम करिए जरा। तो अभी जैसे होते हैं मतलब खाना वाना बन जाते हैं, फिर हम खाते हैं और आपको दिखाते हैं। दिखाना क्या है, खाना ही है सिर्फ, पर थोड़ी मस्ती वस्ती होगी वो दिखाएंगे। तो गाइस अभी मैंने कैमरा ऑफ करा तो एक बहुत ही गंभीर चीज के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई। ये जो मेरे प्रिय भाई हैं, ये बोल रहे हैं मेरा टेक नहीं ठीक आया, पहले तो टेक ठीक लो, और दूसरा ये बोल रहे हैं कि चेक कर ले कि लास्ट लोगों में मैंने सेम टी शर्ट तो नहीं डाली।
मतलब मैं दिन में दो व्लॉग एक एक टी शर्ट में पूरे निकाल देता हूँ, वो लोग को याद नहीं रहेंगे। इसमें जो छह महीने पहले एक व्लॉग बनाया होगा हमारे साथ, उसमें टी शर्ट डाली, वो आप लोग को याद होगा। मतलब डज इट मेक एनी सेंस? तो हो सकता है ना, हो सकता है, चुप करके गेट खोलो। सो गाइस फाइनली वी हैव आवर फ्रेंच फ्राइज। गेड़ी मार के एकदम खुल के मजे से, मतलब एकदम तगड़े वाला मजा आ गया मेरे को तो। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था घर से कि डिसाइड किस किसके साथ जाने का, प्रिंस का, मेरा और इनका। तो अभी डिस्कशन हुई है इनके भाई से जो आ रहे थे बार बार व्लॉग में, मतलब जो मेरा कजन है दूसरा। तो उनसे भी डिस्कशन हुई है जाने के लिए। तो बड़े आराम से इनको क्या बोल के जरा आप बता ना। मैं तैयार ही नहीं है पागल। वो अभी इनको बोल के गए हैं कि कशिश देख मैंने फाइनल कर, बड़ा सीरियस हो गया, हंस मत, कि कशिश देख मैंने फाइनल कर लिया है। तो मेरे जो व्हाइट वाले शूज है फटाफट धो के रख, मैं दो मिनट में एक और गेड़ी लगा के यार। तो वो लोग गाइस अभी गए हैं इसके लिए प्रेस लेने, बिकॉज मैडम ने अभी तक सूट ही नहीं प्रेस किया जो सुबह डालना है। तो वो लेने गए हैं दोबारा से एक बार प्रेस। उनको भी गेड़ी का बहाना चाहिए, ये टाइम पीछे आपको गलत दिख रहा है, ये सुई इनके ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है, ये टाइम गलत है, रुकी हुई इनकी घड़ी। तो अभी वो गए हैं गाइस वहाँ पे, और अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि सुबह जैसे हमने जाना है तो वहाँ पे उनको कैश देना है, पेटीएम करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये बोल रहे हैं उनके पास कैश ही अवेलेबल है, हम बोल रहे हैं हमारे पास पेटीएम अवेलेबल है। तो हम उनको पेटीएम देंगे, माने तो ठीक है, नहीं तो बोलेंगे आंटी इतने ला जाओ। और सबसे मेन सीन क्या है, हमने डिसाइड तो कर लिया चारों ने जाने के लिए, पर हमारी सीट तीन ही बुक है। तो पता नहीं सुबह उसके बाद कलोल ना हो जाए, और वहां पे पहुंचे तैयार शहर होकर तो बोले बेटा जगह तो है नहीं, तो हो सकती है कलोल उसके साथ, वी डोंट नो। सो अभी कर रहे हैं गाइस मस्ती, फन एंटरटेनमेंट प्रॉपर, जो हमारी मस्ती हो रही है वो हो रही है गानों में, हम नाच रहे हैं गाने गा गा के, गाने लगा लगा के, तो उससे कॉपरेट आ जाएगा, तो इसलिए हम उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। बाकी जो हो रहा है वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता जा रहा हूँ हर देर की तरह। और अभी टाइम कितना हो चुका है, 12:40 हो चुके हैं गाइस। सुबह कितने बजे पहुंचना है वहाँ पे, 5:30 ना लास्ट, 5:30 तक पहुंचना है, व्लॉग एडिट करना है, अपलोड करना है, सब कुछ करना है, और मुझे मरना है, मतलब मुझे मरना है, सच में मरना है मुझे। तो गाइस अभी करता हूँ फिर मैं एडिटिंग का, हल्का हल्का जितना भी होता है, बाकी प्रिंस आते हैं तो अगर कुछ होता है मस्ती वाला तो आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी ताजी ताजी प्रिंस को लगी है प्रेस, आइए दिखाते हैं आपको। मार डाला इसने, इस बदतमीज इंसान ने, रात को कितने बज गए हैं, 2:45 गाइस, ये कर रहा है प्रेस अपने कपड़े सुबह जाने के लिए, जबकि इसका पक्का भी नहीं है कि ये जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। बेइज्जती नहीं करते इसके कहते भी कंफर्म भी नहीं जा पाएगा कि नहीं, फिर भी देख लो पूरी तैयारियां खींची बैठे हैं, रात 2 बजे से चावल खा रहे हैं, मोटी लग गई है, गपड़ गपड़ डप्पड़। तो एज यूजुअल तुम्हें पता है मैं ब्लॉग कर रहा, तुम सब दसन नहीं की हो रहे, तेरे पहले दसन से फिर भूल गया, व्लॉग ही कर रहा है हाले में, तुम सब नहीं पता पर इन व्लॉग ही कहते हैं। तो गाइज हाँ ताई दसता मैं। तो गाइज अभी फिलहाल का यही है, हमने खाना वाना खा लिया है, 2:45 हो चुके हैं, और अभी मुझे लगता है कि लास्ट टू लास्ट में 2 मिनट की व्लॉग और करूंगा, क्योंकि मुझे शूट डन करने आप प्रेस लाइए थे फिर मेरे, आप देख लो ठंडा ही है बंदा में होता होता है नहीं काम, देख लिया मैं। तो गाइज अभी थोड़े टाइम मतलब 2 मिनट की और मैक्सिमम स्पीड बनाने के बाद हमें डन करना पड़ेगा, बिकॉज एडिट करना भी जरूरी है ब्लॉग, तभी आपको कल दिखा पाएंगे। सुबह 4:30 जाना, 5:30 क्या होते हाथ धोगी, 5:30 उत्थे पहुंचना है, गाइज उस तरीके ना सानू फिर तैयार भी होना पेगा, तो समझ सकते हो गल नू, तो गाइज ये तैयारी खिंची बैठे ने तगड़िया वाली हैं, जिवें व्याह ते चलने ने, पर आपा चलने हैं माता दे दरबार ते, माता ने देखना नहीं कि बच्चे सोने बहुत ने, बच्चे तो हैगे सोने ते, गाइज इन्हां नूं असीं मेन गल दस दिए तेरे को, गाइज एकदम फोकस दे नाल सुन लियो गल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में कोई तुहाडे कित्थे रह गई। सो दिस इज एंड ऑफ अ वीडियो, होप यू गाइस लव इट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन करना बिल्कुल मत भूलना, और ढेर सारा प्यार देते रहिए, ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। ये गाइस हमारी बेइज्जती करते जा रहे हैं, हमारा ऑल टाइम का यही चलता रहेगा, अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है मैं एंजॉय कर लूं।
जय माता दी, तो गाइस कल वाले व्लॉग में आपको दिखने वाला है हमारी सारी फन मस्ती। बाय कर दो गाइस, बाय बाय।